हेलो एवरीवन, मेरा नाम रौनक है और मैं 2019 की एलुमिनाई हूँ रूम टू रीड की। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, लेकिन रूम टू रीड में जो मैंने कौशल हासिल करी थी, जैसे सही समय पर सही निर्णय लेना तथा मुश्किलों में हार ना मानना, जैसे कि 2019 में लॉकडाउन के कारण मेरे पापा की जॉब चली गई थी और उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके कारण मेरी स्टडी वहीं पर रुक सकती थी, पर वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया था और पढ़ाने से जो भी मैंने सेविंग करी थी वो मैंने अपनी स्टडी में लगाई, जिसके कारण जो मैंने सेविंग करी थी वो मेरी स्टडी नहीं रुक पाई उसके वजह से थी, और मैंने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उसके अलावा मैंने अपने फैमिली में भी बहुत सारी हेल्प करी, इसीलिए मैं रूम टू रीड से मुझे बहुत सारी सहायता हुई। जो जो मैंने कौशल मैंने हासिल करी थी उसी के कारण मैंने सही समय पर निर्णय लिया और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखा मैंने, और अभी भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और आगे भी पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, वैसे मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ना चाहते हैं आगे, सब पढ़ें और सब आगे बढ़े। अपने आप को जाना, मैंने खुद को पहचाना, अपने फैसले पर मैं डटी रही, शिक्षा से मैं जुड़ी रही। मेरा नाम सना है और मैं रूम टू रीड 2018 की एलुमनाई हूँ। मैंने रूम टू रीड के जीवन कौशल से बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि मैं अपनी बातें पहले अपने पेरेंट्स से नहीं रख पाती थी, किस तरीके से हमें अपनी बातें अपने पेरेंट्स तक रखनी चाहिए, उनकी भी समझनी चाहिए और अपनी बातें उन्हें सही तरीके से समझानी चाहिए, और मैंने ये चीज़ें सीखी। और इस वक्त मैं अपनी सारी अच्छी बातें बुरी बातें अपनी मम्मी से शेयर कर पाती हूँ और वो मुझे समझने की पूरी कोशिश करती हैं, और वो इस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमने भी ये ठाना है आसमान में जाना है, रूम टू रीड से मन में जाना, हमें भी कुछ बन के दिखाना है। राह में मुश्किलें तो कई हैं पर उनसे लड़के आगे बढ़ जाना है। हमने भी ये ठाना है आसमान में जाना है, रूम टू रीड से मन में जाना, हमें भी कुछ बन के दिखाना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों को भी फूल समझकर आगे बढ़ जाना है। हमने भी ये ठाना है आसमान में जाना है, रूम टू रीड से मन में जाना, हमें भी कुछ बन के दिखाना है। कांटों को भी फूल समझ के आगे बढ़ जाना है, राह तक पहुंचने के लिए हमने भी ये ठाना है आसमान में जाना है, रूम टू रीड से मन में जाना, हमें भी कुछ बन के दिखाना है। देखिए, मैंने रूम टू रीड से ये सीखा है, बच्चों की बात शेयर करना चाहिए। मेरी बच्चियां मुझे बताती हैं और मैं उन्हें समझ भी पाती हूँ, और मैं एकदम फ्रेंडों की तरह उनकी बात समझने की कोशिश करती हूँ। जो मुझसे बता पाती हैं वो बाहर वालों से कुछ नहीं कह पाती, मेरी बच्चियाँ मुझसे इससे कहती हैं और मैं पूरी तरह उनकी बातें समझने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू रूम टू रीड, आपकी वजह से मैंने अपनी बच्चियों को समझा और जाना। मैं स्वच्छता की निशानी हूँ, मैं मातृत्व की कहानी हूँ, मैं ही जननी हूँ, मैं ही ढाल हूँ, हाँ मैं रक्त हूँ, हाँ मैं लाल। रूम टू रीड से ये हुआ कि तो पहली बात तो मेरी बेटी पहले से ही मुझसे वो फ्रेंडली थी, बाकी रूम टू रीड की वजह से और ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गई है। जो भी बात होता है, कुछ भी थोड़ा सा भी कोई हल्की सी भी कोई बात अगर बाहर हुई या कुछ भी, फौरन आके मुझसे शेयर करती है कि मम्मी ये हुआ। तो हम दोनों मिलके जो भी है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग कुछ शेयर कर लेते हैं, या फिर मैं जाती हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, उसके बाद से मेरी बच्ची सेफ हो जाती है। तो मेरा और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों पर यकीन करें, उस पर भरोसा करें, ताकि वो बच्चे आपसे सारी बातें अपने शेयर कर सकें खुल के। सबसे पहले आपसे ही करें और किसी से नहीं। मेरा नाम नूर आयशा है और मैं रूम टू रीड में 6th क्लास से ज्वाइन हुई थी। तो मैंने रूम टू रीड से बहुत सारी लाइफ स्किल्स ली हैं और मैंने बहुत कुछ, मतलब अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है और अपने कम्युनिटी के लिए मैं कैसे एक अच्छी रोल मॉडल बन सकती हूँ। मुझे ये भी सिखाई कैसे एक अच्छी लीडर की, मतलब एक अच्छी लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है और उसे क्या क्या करना चाहिए, और यही सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने, मतलब दो मेरे दिमाग में थॉट्स आए हैं कि मेरे कम्युनिटी में दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। एक है कि मतलब आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा कि बैगिंग, लोग मतलब लोग गरीब बहुत हो रहे हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इन फ्यूचर बहुत कुछ, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम को हटाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर जो है, प्लास्टिक की जगह हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो मतलब उससे चीक हो और जो है सबके पास अवेलेबल हो, ताकि जो है हम इको फ्रेंडली बन सकें। I will be leader and thank you room to read. मेरा नाम सुना, मैं रूम टू रीड में 2019 में आई हूँ। लॉकडाउन के समय मुझे पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मतलब फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम,
क्योंकि मेरे पापा का काम छूट गया था, इसकी वजह से मैंने अपना खुद का कुछ करने का सोचा जब मैंने अपनी की शॉप खोली। हाँ, शुरू में मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता था क्योंकि उतना इसमें बेनिफिट नहीं पाता था और इसके दौरान मुझे अपनी फीस भी देखना था और साथ ही साथ मुझे अपने घर का भी देखना था। इसलिए फिर मैंने अपने आस पास से कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं अपने घर में अपने घर वालों को भी हेल्प करने लगी, इसके साथ साथ मेरी नॉलेज में भी इसमें इंकरेज हो। मैंने अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पहचाना है जब से फाइनेंशियल लिटरेसी को जाना है।